माध्यमिक विद्यालय व एन एन पालीवाला जुनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्कार, मी विष्णू खंडू देशमुख, सहाय्य शिक्षक क्या माठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में कविता 4 गांव शहर के बारे में देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आज यह गांव शहर के कवि है प्रदीप शुक्ला जी। उस कवि शुक्ला जी ने अपने दर्द भरी कहानी इस कविता में आपको बताई है। तो उन्होंने बताया है कि गांव के सब आदमी किसान पैसे कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी मिलने के लिए कहाँ जाते हैं? शहर में जाते हैं। और शहर में जाकर उनकी क्या हालत होती है, उनकी दर्द भरी कहानी। और जब वो गांव रहते हैं तो गांव हरा भरा सा लगता है, रौनक लगती है उसमें, लेकिन वो गांव से छोड़कर शहर जाते हैं तो गांव की भी हालत क्या होती है, इसकी भी दर्द भरी कहानी इस कविता में कवि शुक्ल जी ने आपको, प्रदीप शुक्ल जी ने आपको बताया है। तो देखो बच्चों, आज हम इस कविता के पहले हम पठन करेंगे और उसके बाद उनके हम स्पष्टीकरण दे देंगे। तो देखो, इस कविता में उनके पार्ट नंबर इसका है 9। अब देखिए और अच्छी तरह से सुनो। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसा ठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजरे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहां रेडियो पे स्टेशन रामदीन है जो रहा, उसकी बात सुनी है सब जब से, दिल करता है धुकुर धुकुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगे घमाने, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो देखो बच्चों, आज मैंने आपके सामने एक कविता पढ़कर दे दिया है। अभी इस कविता के हर एक पंक्तियों का, हर एक पैराग्राफ का हम अर्थ बताएंगे, आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, पहला पैराग्राफ है, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते है सूर। देखो, इस दो पंक्तियों में कवि ने बताया है गांव और शहर का मौसम बदला गया है। गांव सबसे दोनों के सुर बदले से लगते हैं, और वो कैसे बदले से लगते हैं, तो शहर गांव के ओर अपनी नजर उठाकर देखता है और गांव अपनी नजर नीचे डालकर रखता है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसासट भरे हुए। देखो बच्चों, क्या बताया उसने, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसासट भरे हुए हैं। इसका मतलब है शहर में इतनी भीड़ है कि पांव रखने को भी आदमी को जगह नहीं है, लेकिन गांव, उधर गांव के पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। लेकिन गांव में उन्होंने फर्क बताया है कि शहर में तिल रखने के, पांव रखने को भी जगह नहीं आदमी को, लेकिन गांव में सब रौनक बदल गई है, गांव में सब नाराज है। उसमें जैसे उन्होंने बताया कि पत्ते के, सब पेड़ के पत्ते झरे हुए हैं, इसका मतलब है गांव के सब आदमी कहां गए हैं, शहर में गए हैं,
गांव में कुछ ऐसे बिल्कुल रौनक नहीं है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजरे परमेश्वर, देखो परमेश्वर नाम का एक आदमी है, वो भी कहाँ गए हैं, शहर गया है पैसा कमाने को, शहर गया है, लेकिन उनकी क्या हालत देखो, उनको रहने को, उनको सोने को भी जगह नहीं है, वो मेट्रो के खंबे के नीचे उस शहर में उधर सोता है। दीदा फाड़े शेर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो इस तरह शेर गांव के ओर बड़े आंख करके देखता है और गांव जैसा मामूली आदमी होता है वैसा ही वो अपनी नजर डाल के वहां पर देखता है। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, यहाँ पे शहरों में उन्होंने बताया कवि ने प्रदीप शुक्ला जी ने कि गांव में शहर में पूरा आलम का मतलब सुबह से शाम तक हर एक आदमी दौड़ कर रहता है, उनको थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता एक दूसरे खास वो साथ हो बोल भी नहीं सकता, तो वो हर पूरा दिन बिजी होता है, अपने अपने काम में मग्न होता है, बोलने को फुर्सत नहीं होते है, उसके पास कोई वक्त भी नहीं। लेकिन वहां रेडियो पर केशन राम दिन है जो रहा, उसकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर धुकुर। लेकिन राम दिन ने स्टेशन पर रेडियो के स्टेशन पर जब बात सुनी तो उनका दिल घबरने लगा, क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शहर है, नाम का शहर है, लेकिन वहां पे एक दूसरे के साथ बोलने को भी आदमी को वक्त नहीं मिलता, इसलिए वह बहुत घबराने लगा। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, देखो बेटो जैसे हर एक आदमी गांव से शहर पैसा कमाने को जाता है, अपने रोजी रोटी मिलाने के लिए शहर जाता है, वैसे ही इस गांव के जो लोग हैं कवि ने बताया है सुर सतिया के दो बेटे हैं और वे सूरत में पैसे कमाने गए हैं। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने, लेकिन यहाँ पे अच्छी अच्छी खेती है गांव में, लेकिन वो खेती को करने के लिए किसान नहीं मिलते, इसलिए वैसे वो पड़ गए हैं, उसमें से कुछ भी अनाज पैदा नहीं होता। इसलिए बेटो देखो कि हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शहर में जरूर जाने के चाहिए लेकिन अपने गांव को भी नहीं भूलना चाहिए। इस तरह उन्होंने आगे क्या देखो कहा है, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाला खुर, दीदा पाड़े शेर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो इस तरह उन्होंने अभी बताया है कवि ने, कवि प्रदीप शुक्ला जी ने कि देखो बेटो कि अभी गांव में भी अच्छे अच्छे सड़क रास्ता बन गया है, लेकिन उस रास्ते से चलने वाली जो गैया होती है उनके खुर उन्होंने खा डाले है, इसलिए वो कैसी चलती है, लंगड़ा कर चलती है, और उनको लंगड़ा कर चलने का कारण यह है उनके खुर उस रास्ते ने सब खा डाले है, इसलिए वो लंगड़ा कर चलती है। और लास्ट में उन्होंने बताया दीदा पाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो इस तरह उन्होंने बताया कि शहर और गांव दोनों में क्या फर्क है, कि शहर कैसा दिखता है लेकिन शहर में रहने को भी जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं, किसी को बोलने के वक्त नहीं किसी के पास, हर दिन सुबह से शाम तक वो अपने अपने काम में मग्न होता है, उनको किसी के साथ बोलने का वक्त भी नहीं होता। तो इस तरह वो शेर खाली गांव को नजर उठाकर देखता है, लेकिन गांव अपने नजर नीचे डालकर गाड़कर वहां पर टुकुर टुकुर देखता है। तो इस तरह बच्चों ये कविता प्रदीप शुक्ल जी ने हमको ये पाठ में पुस्तक में बताई है, तो खत्म हो गई है। आपले हक्काचे मराठी चैनल रायगड ओवी न्यूज चैनल सदैव आपल्या सोबत, रायगड ओवी न्यूज चैनल नेहमी पाहत रहा, लाइक करा, सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करायला विसरू नका।